ग्रामीण थाना क्षेत्र के न्यू कवास में एक माह पूर्व मध्य रात्रि को एक मकान के आगे खड़ी स्विफ्ट कार में अज्ञात लोगों ने आग लगा दी थी। वहीं घटना के बाद कार मालिक सुजान सिंह पुत्र कमल सिंह ने बाड़मेर ग्रामीण थाने में रिपोर्ट देकर मामला भी दर्ज करवाया था, लेकिन एक माह बाद तक भी पुलिस द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। सोमवार को पीड़ित कार मालिक व क्षेत्र के लोगों ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर जल्द कार्रवाई करने की मांग की। बाड़मेर के ग्रामीण थाना क्षेत्र के न्यू कवास में 20 जनवरी 2023 को एक मकान के आगे खड़ी स्विफ्ट कार में अज्ञात लोगों ने आग लगा दी थी। घर के बाहर आग की लपटें उठती देख कार मालिक दौड़कर बाहर आए और आग बुझाने के प्रयास किए। इस संबंध में कार मालिक सुजान सिंह पुत्र कमल सिंह ने बाड़मेर ग्रामीण थाने में रिपोर्ट देकर मामला भी दर्ज करवाया था, लेकिन एक माह बीत जाने के बाद भी पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। कार मालिक सुजान सिंह ने बताया कि मेरी स्विफ्ट कार जिसके नंबर GJ24AA0623 है को दिनांक 20 जनवरी की रात्रि को अज्ञात व्यक्तियों ने रंजिशवश आग लगा दी, जिस पर ग्रामीण थाने में मुकदमा भी दर्ज करवाया गया था, लेकिन आज एक महीना बीत जाने के बाद भी पुलिस ने अब तक न तो आरोपियों को गिरफ्तार किया और न ही मामले में कोई अन्य कार्रवाई की। सोमवार को कार मालिक सुजान सिंह व क्षेत्रवासियों ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। रात को मेरे घर के सामने खड़ी गाड़ी को जला दी अपराधियों ने। अभी तक पुलिस के चक्कर लगा लगा कि मैं परेशान हो गया। बाड़मेर ग्रामीण थाने में मेरा मुकदमा दर्ज हुआ है, अभी तक कोई पता नहीं चला है। किसी भी कोई शक वगैरह है क्या? जो हमने ग्रामीण थाने में बता दिया है, पर पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई कर नहीं रही। क्या बोले पुलिस? बोले कि 2-4 दिन रुको, 5 दिन रुको, ऐसे करके आज एक महीना हो गया। राइट, किससे मिल जाएगा? क्या SP साहब को हम ज्ञापन देने आए कि हमारी जांच हो और जो भी हुए अपराधी उनको गिरफ्तार करें। ज्ञापन में क्षेत्रवासियों ने जल्द दर्ज मुकदमे में कार्रवाई करने और आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की। इस दौरान कार मालिक सुजान सिंह के साथ कई लोग मौजूद रहे।